खत्म हुए अग्निकांड के बाद देश भर के कोचिंग सेंटरों की जांच की जा रही है। इस कड़ी में रायपुर में निगम के सभी जोन कमिश्नरों की टीम अलग अलग इलाकों में चल रही कोचिंग सेंटर्स की जांच करने के लिए निकली। इस दौरान निगम अमला कमिश्नर चंदन शर्मा के नेतृत्व में चयन कोचिंग सेंटर पहुंचा, जहां पर कमिश्नर के साथ टीम ने कोचिंग सेंटरों में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम के साथ ही वहां के बिजली तारों और स्विच बोर्ड्स को भी देखा। चेकिंग के दौरान कई जगह खामियां भी पाई गईं, जिस पर व्यवस्था दुरुस्त करने के 24 घंटे का समय देते हुए कई कोचिंग संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया है। कोचिंग सेंटर की जांच के बीच निगम कमिश्नर चंदन शर्मा ने स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत से खास बातचीत की। सूरत में आगजनी घटना के बाद 20 लोगों की मृत्यु के बाद रायपुर में निगम अमला जाग गया है और वो तमाम कोचिंग सेंटरों पे निरीक्षण के निकले हैं। इस वक्त हमारे साथ जोन कमिश्नर हमारे साथ है, तो उसे उसे जानते हैं कि किस तरह से निरीक्षण किया जा रहा है, क्या मापदंड है उनका। जी सर, देखिए सूरत में जो घटनाएं घटी हैं उनसे सीख लेते हुए ये घटनाएं हमारे नगर निगम क्षेत्र में ना हो, इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कमिश्नर साहब के निर्देश में हम लोग निकले हुए हैं। सभी कोचिंग संस्थान जहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की या जो भी तैयारी हो रही है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और विशेष रूप से हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे आने जाने का रास्ता सरल सुगम है, वहाँ पे फायर सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, जो हॉल है जहाँ पे वो लोग बैठते हैं वहाँ पे दो दरवाजे हैं कि नहीं। ये सभी चीजें जो बिल्डिंग के लिए जो जरूरी रहता है फायर सुरक्षा से बचने के लिए, उन सभी चीजों पे अपन ध्यान दे रहे हैं। तो क्या ये मापदंड के लिए नोटिस दी जा रही है कि सिर्फ अभी कार्रवाई? जी, इसमें सभी लोगों को एक सामान्य सूचना या नोटिस जारी है, जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि आपके पास अभी है, हम समय दे रहे हैं, जो चीजें उनके पास नहीं है उनको पूरा करने के लिए, और उसके बाद यदि वो लोग कंप्लायंस नहीं कर पाते हैं तो इस पर कार्रवाई करेंगे। मापदंड में जो खड़े नहीं उतरते या जो बाद में इसका पालन नहीं करते उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जब तक वो हमारे कंप्लायंस को नहीं करेंगे तब तक फिर उन संस्थानों को हमको सीज करना पड़ेगा, जब तक कि वो अपना वो नहीं कर पाएंगे, कंप्लायंस करने तक हमको उसको सीज करना पड़ेगा। ये मापदंड क्या होगा निरीक्षण का? मापदंड से वही है कि जो भारतीय बिल्डिंग जो एसोसिएशन है, जिसको इंडियन कांग्रेस ऑफ बिल्डिंग प्रोफेशन बोलते हैं, वो